नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जिनके बच्चों ने 10वीं और 12वीं के एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो गए हैं, जो पास हो गए हैं उनके लिए भी फिर से प्रयास, और ये भी कि वो आगे कैरियर में सक्सेस कैसे हो। तो मित्रों, आपकी कुंडली में जो राशियां हैं वो भी बताती हैं कि आगे आपको कैरियर में कैसे सफलता या किस क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। तो आज की चर्चा में मैं वन बाई वन आपको 12 राशियों का बताऊंगी, कौन सी राशि बली होने पर और उनके साथ किन ग्रहों के संयोग से आप किस प्रकार से आगे अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हो या आगे कहाँ आपको सक्सेस मिल सकती है। तो मिलते हैं आपसे अपने पावर पॉइंट में। राशि ज्ञान द्वारा हम जानेंगे कैरियर में सफलता किस क्षेत्र में मिलेगी। हाउ टू चूज योर सब्जेक्ट फॉर कैरियर एंड सक्सेस इन लाइफ थ्रू राशि एंड राशि लॉर्ड। कोई भी राशि तभी बली होती है जब उसका स्वामी उच्च का हो या अपने घर को देखता हो, और मूल त्रिकोण राशि भी बली हो तो और ज्यादा वो राशि और राशिपति बली हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि की। तो मेष राशि हम सभी जानते हैं इसके स्वामी मंगल है और ये चर राशि है। ये बड़े उद्यम की राशि है। मेष राशि के लोग साहस और वीरता संबंधित कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं। ये नेतृत्व की राशि है क्योंकि हम देखते हैं एक मेड़ा है और वो जब चलता है तो एक नेतृत्व करता हुआ दिखता है, उसके पीछे और लोग भी चल रहे हैं और भेड़ चल रही है, तो नेतृत्व की राशि है। ऐसे कार्य जिसमें साहस, परिश्रम और ऊर्जा लगती हो, मेष राशि वाले उन कार्यों के लिए बहुत उत्तम माने गए हैं। जिस कार्य में धैर्य और साहस की आवश्यकता हो, वहां मेष राशि वालों का डंका बजता है, क्योंकि मेष राशि काल पुरुष की प्रथम राशि है। ये सिर को रिप्रेजेंट करती है और ये आगे आकर अपना नेतृत्व करती है। मेष राशि जिसकी भी बली होगी, यानी मेष राशि के स्वामी को यदि मंगल देख रहा होगा तो वह राशि बली हो गई। तो ये राशि वाले हमेशा आगे रहने में विश्वास रखते हैं। जैसे 10 लोग स्कूल में भी 10 बच्चे होंगे, लेकिन टीचर से सवाल कौन करेगा? मेष राशि जिसकी बली है वो आगे आएगा, वो प्रश्न करेगा। यदि किसी ने कोई बात कहने से हिचक रहा हो, डर रहा हो, लेकिन मेष राशि वाला पर्सन एकदम से निडर होकर आगे आएगा। वो किसी से भी, चाहे कोई भी हो, सत्य और असत्य के बीच का अंतर रखते हुए भी, यानी सत्य वचन बोलने में भी और किसी को गलत कहने में भी हिचकता नहीं है, अग्रणी रहता है, हमेशा आगे आके पार्टिसिपेट करता है, चाहे खेल कूद हो, कुछ हो, ऐसे व्यक्ति हमेशा आगे रहते हैं। यदि मेष राशि बली हो तब व्यक्ति सैनिक, पुलिस, सेना में कार्य करने वाला, मैकेनिकल, खोजी प्रवृत्ति के कार्य करने वाले साइंटिस्ट, इंजीनियर, दंत चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, सर्जरी या सर्जन मतलब सर्जरी करने वाला डॉक्टर भी हो सकता है। अभी जैसे मैंने कहा, ये काल पुरुष की राशि जो लगन में होती है और ये सिर को रिप्रेजेंट करती है, तो व्यक्ति ब्रेन सर्जन भी हो सकता है। यदि बुध गुरु से संबंध बनाए
तो ये और मेष राशि भी बली हो, तब व्यक्ति वकील या पत्रकारिता के कार्य भी कर सकता है। यह राशि किसी मुद्दे या उद्देश्य के लिए कार्य करती है। ये राशि न्याय का बिगुल बजाती है और उद्देश्य के लिए झंडा भी फहराती है, क्योंकि यह अग्रणी राशि आगे बढ़ के काम करती है, हमेशा आगे रहना भी चाहती है। ऐसे बच्चे देखेगा स्कूल में क्लास में पीछे नहीं बैठेंगे, डेस्क पे आगे बैठना पसंद करेंगे, चाहे आगे बैठने के लिए उन्हें 10 मिनट घर से पहले निकलना पड़े, कि अगर जो पहले आए पहले आगे बैठे के हिसाब से हो, तो स्कूल में वो आगे डेस्क पर बैठने के लिए वो 5 मिनट पहले भी आके बैठ जाए, यानी अपने आप को वो आगे रखना चाहते हैं, पीछे रहना इन्हें पसंद नहीं है। यदि मेष राशि के साथ शुक्र भी बली हो, तब व्यक्ति सफल विक्रेता या सेल्समैन या मार्केट एग्जीक्यूटिव भी बनता है। और मंगल बली हो, मंगल उच्च का होगा तो वो भी बली होगा, तब यह किसी उद्योग इंडस्ट्री से भी जोड़ता है। यदि सूर्य बली हो, तब इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है। देखिए, इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियलिस्ट होने में क्या फर्क है? एक बिजनेसमैन व्यापारी में फर्क होना और एक व्यापार के कई ऐसे उद्यम खोल देना कि बहुत से लोग एक अच्छी खासी इंडस्ट्री खोल देना, ये इंडस्ट्रियलिस्ट है। ये मेष वाले कानून विभाग के अधिकारी राजनेता भी बनाती है, तो मेष का मंगल शिकारी भी बनाता है, क्योंकि ये एक उद्देश्य को लेके चलते हैं, तो शिकार वाले भी एक उद्देश्य लेते हैं। अब शिकारी वो किस प्रकार के हैं, ये डिफरेंट कुंडली में डिफरेंट रहेगा। जैसे कोई फोटोग्राफर है तो उसे एक अच्छी पिक्स की तलाश होती है, अच्छी लोकेशन की तलाश होती है। वाइल्ड एनिमल वाला है तो उसे जंगल में ऐसे सीन तलाशने होते हैं जो एनिमल्स के ऊपर फोटोग्राफी कर सके, तो ऐसा निडर मंगल आपको जंगल में भी घुमा सकता है। यानी वो काम निडरता वाले हो, आगे बढ़ के करने वाले हो, पुलिस से रिलेटेड हो, आर्मी से रिलेटेड हो, जो चलने वाले काम है, क्योंकि मेष राशि चलती रहती है, रुकती नहीं है, तो ये चलने वाले काम, बढ़ने वाले काम, ये काम मेष राशि को बहुत सूट करते हैं। आप भी अपने चार्ट में देखिए, अपने बच्चे के चार्ट में देखिए कि मेष राशि क्या उसके स्वामी मंगल उसे देखता है। अब आते हैं कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, बिल गेट्स का चार्ट। अब हम इस कुंडली में देखें, मेष राशि इनकी 10th हाउस में है। यहाँ मेष राशि किस भाव में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस भाव में होके बली है उसके अकॉर्डिंगली उसका रिजल्ट आपको उसके अनुसार मिल सकता है। तो यहाँ दशम भाव में मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं, लग्नेश चंद्रमा नवम भाव में है, मंगल उन्हें भी देख रहे हैं। अब यहाँ का जो सेकंड लॉर्ड है सूर्य, वो डेब्लिटेटेड है, लेकिन शुक्र के साथ, स्वराशि का शुक्र और उच्च के शनि के साथ होने से नीच भंग राजयोग में है, और सूर्य शुक्र और शनि भी 10th हाउस को देख रहे हैं। यहाँ पे गुरु सूर्य की राशि में अपने मित्र की राशि में धन भाव में बैठकर 2, 6, 10 के कनेक्शन से, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण का कनेक्शन, और ये सभी उसकी अपनी राशि मूल त्रिकोण राशि धनु और मेष राशि मित्र की राशि, तो यहाँ पे गुरु धन भाव से 10th हाउस को देख रहे हैं। मंगल उच्च के बुध के साथ है,
जो काल पुरुष के षष्ठेश है, उपचे भाव के स्वामी है और यहाँ उपचे भाव में स्थित है। मंगल यहाँ बैठ कर पराक्रम भाव का कारक होकर पराक्रम भाव से चतुर्थ भाव, चतुर्थ दृष्टि सिक्स्थ हाउस पर और सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर जो लग्नेश है और आठवीं दृष्टि दशम पर। तो दशम भाव इतना स्ट्रांग है और धन के स्वामी से सभी का संबंध 10th हाउस से कर्म से जुड़ गया। तो बिल गेट्स ने कंप्यूटर इंडस्ट्री इस तरीके से खोली कि आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इंफोसिस, कितने लोग उनके अंडर कई कंपनियां चल रही। बिल गेट्स जानी मानी इंडस्ट्री कंप्यूटर के लिए। अब आती है नेक्स्ट मेष राशि, 10th हाउस की नहीं है, ये दशम भाव की है। दशम से दशम कुंडली के सप्तम भाव की राशि और यहां भी मंगल बुध की राशि से अष्टम दृष्टि से अपने सप्तम भाव को देख रहे हैं। ये इंफोसिस के संस्थापक और अध्यक्ष एन आर नारायण मूर्ति की कुंडली है और इन्होंने तो इंडस्ट्री बहुत अच्छी जो खोली वो बिल गेट्स के भी आगे कह सकते हैं, उनसे भी बड़ी। यहां पर 10th हाउस अगर देखें तो 10th हाउस में बुध और शनि हैं। शनि काल पुरुष के दशमेश हैं और यहाँ चतुर्थ के स्वामी होकर दशम में बैठे हैं, चतुर्थ पर भी दृष्टि होकर चतुर्थ को भी बलि कर रहे हैं। शनि और मंगल को भी दृष्ट कर रहे हैं। शनि की दृष्टि दशम भाव और दशमेश मंगल पर है। यहाँ धन और लग्न के स्वामी मंगल और शुक्र 12वें भाव में है। शुक्र यहाँ अष्टम के स्वामी होकर राजयोग में है, तो धन योग बहुत अच्छा है। 10th लॉर्ड चंद्रमा अपने से 11वें में उच्च के हैं और भाग्येश बुध योग कारक शनि के साथ 10th हाउस में है। शुक्र की राशियों के लिए शनि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर राजयोग बनाते हैं। दशम भाव में स्थित होकर यह अपने भाव को भी देख रहे हैं और धर्म के स्वामी और मूल त्रिकोण बलि मूल त्रिकोण के स्वामी के साथ यहाँ पर बैठे हैं और दशम से दशम भाव के स्वामी मंगल को देख भी रहे हैं और दशम भाव भावत भावम अनुसार दशम पर दृष्टि है। लाभेश सूर्य यहाँ पर ऑन साइन में है तो ये मंगल के साथ शनि की दृष्टि संबंध और दशमेश का उच्च में होना और मेष राशि का बलि होना, इनके पार्टनर बड़ी होंगे, स्ट्रांग होंगे। लग्नेश विपरीत राजयोग में है जिसके कारण इन्हें बहुत सफलता मिली, बहुत ज्यादा उच्च पद प्राप्त हुए और ये इंडस्ट्रियलिस्ट बने। जो दूसरों को रोजगार दे वो इंडस्ट्रियलिस्ट बने। तो आज मेष राशि पर, अब अगली बारी है वृषभ राशि पर। आप अपनी कुंडली में योग देखें, क्या आपकी कुंडली में कौन सी राशि बली है और वो राशि किस प्रकार के कैरियर संबंधित रिलेशंस बताती है, वो रिलेशन मैं आपको बताऊंगी। आप देखिए उनमें से किस चीज में, किस कैरियर की तरफ आपके बच्चे की रुचि है ताकि आप उसके धन योग के अनुसार उसे और अधिक आगे प्रोत्साहित कर सके और उसके लिए दशा भी हमें देखनी होगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मित्रों इसे लाइक्स करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।